दोस्तों, आपका YouTube चैनल आरपीजी ट्रिक्स में आज हम बनाने वाले चना ट्राई, जो कि काफ़ी फेवरेट डिश है, होटल में काफ़ी पॉपुलर डिश है और बहुत सारे लोग इसको स्टार्टर में पसंद करते हैं। तो आज हम दोस्तों आज हम बना रहे हैं चना ड्राई, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से बनता है और काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। ये स्टार्टर में बहुत ही फेवरेट डिश है, हर होटल में बनता है। तो होटल के जैसा चना ड्राई हम बनाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय लेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये हमने चना लिया है काबुली चना, और इसको हमने पहले से बॉईल करके लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। और इसको बॉईल करके हमने ले लिया है और हम चलते गैस की तरफ। गैस पे हमने पैन रख दिया है, गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे ऑयल। दोस्तों, पैन में हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल को हम अच्छा से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद में हम चने को इसमें डीप फ्राई कर देंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम चना इसके अंदर छोड़ देते हैं। तो फ्लेम हमें मीडियम रखना है, ज़्यादा लो भी नहीं करना है। लो अगर करेंगे तो ऑयली बन जाएगा। थोड़ा फास्ट ही हमें रखना है और अच्छा सा डीप फ्राई इसको कर लेना है। इसको टोटल क्रिस्पी होने देना है हमें। और एक टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, चना बॉईल करके ही लेना है। कच्चा अगर आप लेंगे तो बराबर से वो ड्राई नहीं होगा, अंदर कच्चा भी रह सकता है। तो उसके लिए चना बॉईल करके ही हमें लेना है। हमने ये बॉईल करके ले लिया है और इसको अभी हम ड्राई होने तक रखेंगे। तो काफ़ी क्रिस्पी बनता है, काफ़ी स्वादिष्ट बनता है और होटल में काफ़ी फेवरेट स्टार्टर होता है ये चना ड्राई। उसी तरीके से हम ये बना रहे हैं होटल स्टाइल। आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी टेस्टी होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये ब्राउन हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं, लगभग ये रेडी हो ही गए हैं। अच्छा सा ब्राउन कलर इसको आ गया है, काफ़ी क्रिस्पी ये हो गए हैं। तो फाइनली ये रेडी हो गया है, गैस हम ऑफ कर देते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं। तो दोस्तों, ये फाइनल फ्राइड हो गए, हमने बाहर निकाल लिए हैं और थोड़े से ऑयली आपको लग रहे हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, गर्मा गर्म में ही हमें डालना है जब तक ये ऑयली है, क्योंकि वो अच्छा सा मिक्स होता है। और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप तो देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है चने। इसे बोला जाता है चना ड्राई होटल में, और स्टार्टर में काफ़ी सारे लोग इसको पसंद करते हैं। काफ़ी क्रिस्पी है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको। खास तौर के बारिश के मौसम में आप इसको कोल्ड ड्रिंक या फिर चाय कॉफ़ी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। ये हमारा चना ड्राई रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी लजीज लग रहा है। और साथ में अभी इसमें नींबू डालेंगे तो कुछ मज़ा ही कुछ और आता है। तो आई होप कि दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले कि चना ड्राई घर में ही होटल के जैसा आप बना सकते हैं काफ़ी ईजिली। और आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।